ओके फ्रेंड्स, कैसे आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो कुछ स्टेप की फोटो एडिटिंग करेंगे और जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना किसी रिकॉर्ड के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं डेली ऐसे ही कमाल की वीडियो न्यू लाता रहूँगा। एंड ऐसे ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड अपने मॉडल चूज़ करेंगे, तो हमारा मॉडल है कुछ इस टाइप का रहेगा, कुछ देख सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस टाइप की फ़ोटो क्लिक करानी है एंड आपको बैकग्राउंड अरेंज नहीं करना आता तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए कि बैकग्राउंड कैसे अरेंज होता है। तो जस्ट कुछ इस टाइप से इसको रख देंगे एंड यहाँ से इरेजर पर क्लिक करेंगे एंड हार्डनेस फुल साइज हमें मुताबिक रख लेंगे, जस्ट ए वाला पार्ट हम इरेज करेंगे। तो चलिए हम पार्ट इरेज कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से करिएगा ताकि ये सारा पार्ट मतलब हट जाए। तो हम चलिए इरेजर कर लेते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, देख सकते हो हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इरेज कर लिए। उसे ऐड पर क्लिक करेंगे एंड फिर से एक और पीएनजी ऐड करेंगे वो ए रही एंड यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देंगे एंड इसको कुछ इस टाइप से जूम करेंगे एंड कुछ इस टाइप से लगाएंगे, थोड़ा सा और तिरछा कर देते हैं एंड यहाँ से डन। यहाँ से लर्स पर क्लिक करके इसको डाउट कर देंगे एंड देखो परफेक्ट तरीके से हो चुका है। फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और एक और पीएनजी ऐड करेंगे तो वो ये रही। यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देंगे एंड इसको कुछ इस तरह जूम कर देंगे और नीचे के साथ स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे लगा देंगे, जस्ट यहाँ से डन। उसके बाद राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रॉ में चलेंगे और इसकी शैडो बनाएंगे। तो चलिए हम ड्रॉ में आ चुके हैं एंड यहाँ से लेयर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एम्प्टी लेयर बनाएंगे, ब्रश की साइज हार्डनेस को 42 एंड ओपेसिटी 59 साइज अपने मुताबिक, तो साइज हम 11 कर देते हैं। जस्ट ऐसे जूम करेंगे एंड अपने हैंड के पास शैडो बनाएंगे, तो चलिए बना लेते हैं एंड ऐसे जूम करेंगे कुछ इस टाइप से देख सकते हो एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से और इसके नीचे कुछ ऐसे एंड जस्ट यहाँ से लेयर्स पे क्लिक करेंगे एंड ओपेसिटी को कुछ इतना रखे थे, जस्ट यहाँ से इसको यहाँ पे कर देते हैं एंड इस वाले लेयर्स को डिलीट कर देंगे। जस्ट हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, यहाँ से 3 डॉट एंड सेव इमेज। हम लाइट रूम में आ चुके हैं एंड इसका कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो आप लाइट पे आ जाइएगा एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लीजिएगा एंड हार्डनेस को कुछ इतना एंड शेडो को माइनस के साइड रखेंगे कुछ इतना एंड वाइट वाइट प्लस रखेंगे एंड ब्लैक ब्लैक को माइनस, यहाँ से कलर्स में आएंगे एंड वाइब्रेंस बढ़ाएंगे एंड टेम्परेचर हम प्लस के साइड ऐड रखेंगे एंड सॉरी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो गया तो हम कुछ कम कर लेते हैं एंड 4E अच्छा रहेगा। यहाँ से कलर्स में आएंगे एंड सेचुरेशन माइनस, इसका भी सेचुरेशन माइनस, लुमिनस प्लस, तो देखो फेस हमारा ब्राइट हो चुका है एंड सेचुरेशन इसका प्लस एंड सॉरी ह्यू भी प्लस के साइड एंड इसका सेचुरेशन प्लस एंड ह्यू इसका माइनस, जस्ट एक्वा कलर का सेचुरेशन प्लस एंड ह्यू माइनस, जस्ट ब्लू कलर का भी सेचुरेशन प्लस एंड ह्यू माइनस, जस्ट इसका सेचुरेशन माइनस एंड इसका भी सेचुरेशन माइनस, जस्ट यहाँ से डन। डन करने के बाद यहाँ से डिटेल्स में इफेक्ट्स में आएंगे एंड क्लैरिटी बढ़ाएंगे, यहाँ से विग्निटी को डाउन करेंगे, यहाँ से डिटेल्स में आएंगे, नॉइज एंड कलर नॉइज दोनों बढ़ा देंगे एंड बिफोर आफ्टर देख सकते हो यहाँ से शेयर एंड सेव टू डिवाइस। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।